नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम है यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। ये क्या है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस है, इट मींस दैट ऑल एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एजुकेशन वेल्थ एंड रिलीजन हैव अ राइट टू वोट। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत जो भी लोग एडल्ट जो है वो इररिस्पेक्टिव, मतलब इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया हो, ठीक है, कास्ट को मद्देनजर नहीं रखते हुए, उसके एजुकेशन को मद्देनजर नहीं रखते हुए, उसके पैसे उसके धन को मद्देनजर नहीं रखते हुए, उसके रिलीजन को मद्देनजर नहीं रखते हुए हम वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम किसी चीज पे फोकस नहीं करते, हम एक सिर्फ नागरिक पे फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल पीपल है वो किस कास्ट का है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम है, जो इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर तबके के लोग आके वोट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर को एक इक्वल राइट मिला हुआ है एक वोट का, कि आपके पास एक अधिकार है एक वोट देने का। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आता है कि हर लोगों को एक एक अधिकार मिला हुआ है। यहां पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एजुकेशन वेल्थ रिलीजन, इस बेसिस पे, ठीक है। इन सब इस चीजों के लिए बहुत सी चीजें भी चलाई गई हैं, ठीक है, जिसमें पहला हमारा नाम हम जिसको जानते हैं वह है मिड डे मील जो है वो सबके लिए है एक्चुअली, ठीक है ना। मिड डे मील, तो मिड डे मील के अंदर में सारे तबके के लोगों को सब एक जगह पे हर एक विद्यालय में सबको भोजन कराया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी थी, बाकी और भी कंट्रीज में थे। एक कंट्री का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उस कंट्री का नाम है, बहुत हम लोग फैमिलियर उस कंट्री के नाम से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक बहुत पावरफुल कंट्री है, बट फिर भी वहां इक्वलिटी बहुत ज्यादा थी, इनइक्वलिटी, मतलब वहां लोगों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। किसके किसके बीच पे डिस्क्रिमिनेशन था? तो वहां पे एफ्रो अमेरिकन, इसके बारे में बताता हूं क्या होते हैं, एफ्रो अमेरिकन और अमेरिकन्स के बीच में। अब एफ्रो अमेरिकन से ना, वो एक तरह से, मतलब यहां कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था, यूएसए में जो था ना वो कलर के बीच के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन थे। वो कलर का बेसिस क्या था ना, कि वहां पे कुछ लोग जो थे वो ब्लैक अमेरिकन थे, जो एफ्रो अमेरिकन थे वो एक तरह से अफ्रीकन थे, ठीक है ना, जो कि एक पार्टीशन के बाद अमेरिका में उन्हें सेटल किया गया, उन्हें वहां का नागरिकता दी गई, बट वो लोग कलर में ब्लैक हुआ करते थे और अमेरिकन जो थे वो व्हाइट इन कलर थे। तो इस बेसिस पे वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन चलता था, ठीक है, जिसको एफ्रो अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन कहते थे, ठीक है, जो कि काले और गोरे अमेरिकन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, आखिर में रिजल्ट क्या आया इसका, कि इससे 1964 में सिविल राइट मूवमेंट हो गए अमेरिका में, सिविल राइट मूवमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत लोगों ने इसके प्रति विरोध जताना शुरू किया, ठीक है, और फिर इसे डिमोलिश किया गया। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1947 से ही, 1964 में वहां पे इस चीज को डिमोलिश किया गया, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है हमें पता है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जो कि एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, उन्हें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पढ़ाई करने के लिए, अपनी बहुत सारी शिक्षा पाने के लिए वो खिड़की के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करते थे, और जब उन्होंने किताब लिखी जो हमारे देश का संविधान था, तो उन्होंने उसमें सबको इक्वल राइट्स दिए, सबको एक समान अधिकार दिया, सबको इक्वल राइट्स, ठीक है। यही हमें इस चैप्टर के अंदर हमें और भी देखेंगे, ठीक है। उसके पहले, हम इस चैप्टर को इन करने से पहले, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपके बुक में नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो है इक्वेलिटी एंड इक्विटी। अब
इक्वलिटी क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है क्योंकि हमारी बुक में नहीं है, बट हमें आज के मॉडर्न एरा को इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इक्वलिटी क्या होता है और इक्विटी क्या होती है, ठीक है। तो इक्वलिटी में इन द सेंस ये है कि हमने मान लो मेरे पास एक क्लासरूम में तुम लोग 30 बच्चे हो, 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स है और मुझे इक्वली सबको कोई गिफ्ट देना है। तो मान लो मैंने शूज दिया तुम लोग सबको गिफ्ट में, ठीक है, मैंने शूज तुम लोग को गिफ्ट में दिया और इस शूज को आप लोग 30 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 30 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, मतलब 30 अलग अलग स्टूडेंट्स का पैर का जो मेजरमेंट होगा वो अलग अलग होगा, है ना, सबको अलग साइज का जूता आएगा, सबको एक साइज का जूता तो नहीं आएगा ना। तो इक्वलिटी में क्या होता है ना कि इक्वलिटी में हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब 30 स्टूडेंट है और मैंने 30 स्टूडेंट में वो जूते को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने साइज नहीं देखा, मैंने यहां पे 9 नंबर का ही जूता सारे स्टूडेंट को दे दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि 9 नंबर का जूता सारे स्टूडेंट्स को आ जाएगा, नहीं ना। तो यही बात है कि इक्वलिटी के अंदर हम सबको एक समान अधिकार दे देते हैं जहां जिसे जरूरत हो या ना हो, ठीक है। ये एक हिडन डिस्पैरिटी है इक्वलिटी का, इक्वलिटी के अंदर ये एक हिडन डिस्पैरिटी है जो कि छुपा हुआ एक, इसको क्या बोलते हैं, बग, जैसे हम लोग एरर बोलते हैं या वायरस बोलते हैं, कि इक्वलिटी के अंदर एक छोटा सा वायरस ये भी है कि जो हम सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। मान लो मुझे गेहूं चाहिए, मुझे चावल मिल जाए ढेर सारा, तो ये मेरे लिए इक्वल नहीं है। हम लोग 30 लोग हैं, मुझे गेहूं चाहिए, तुम्हें चीनी चाहिए, किसी को चाय पत्ती चाहिए, तो अगर हम सबको चावल ही दे दें इक्वली तो उससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। ये हमें इक्वलिटी कहता है, इक्वलिटी में यही चीज होता है कि हम सबको इक्वली कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब वो उनके नीड में है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इक्विटी के अंदर हमें जिसको जितनी जरूरत होती है हम उतना ही उन्हें देते हैं, ये हमारा इक्विटी कहलाता है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी इक्विटी और इक्वलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सोच के रखिएगा अपने मन में, ठीक है ना, कि क्या जरूरी है, इक्विटी जरूरी है, इक्वलिटी जरूरी है। इक्वलिटी के अंदर हम सबको सब कुछ दे दिए, ठीक है, हम एग्जांपल देखा आपने, 30 स्टूडेंट को मैंने 9 नंबर का जूता दे दिया, इक्वली सबको दे दिया, सबको मैंने जूते तो दिए, बट क्या वो आपके यूज का है, नहीं है। बट इक्विटी के अंदर हम देखेंगे कि किसको 7 नंबर का शूज चाहिए, किसको 6 नंबर का चाहिए, किसको 8 नंबर का चाहिए, किसी को 10 नंबर का चाहिए, तो उन्हें इक्वली दिया जाएगा। जिसको गेहूं चाहिए उसे गेहूं ही मिलेगा, जिसे चावल चाहिए उसे चावल ही मिलेगा। ये नहीं कि हम इक्वली चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम सब में चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जिसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इक्विटी में और इक्विटी में। तो आपका एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके बारे में आप सोच के रखिएगा, व्हाट इज नेसेसरी, इक्विटी और इक्वलिटी, हमारे संविधान में क्या जरूरी है, इक्वलिटी जरूरी है या इक्विटी जरूरी है। ओके, हम बाकी चैप्टर जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।